नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एसडीएम और तहसील कार्यालय में हजारों लोग अपने कार्य करवाने आते हैं, लेकिन जगह जगह गंदगी के ढेर और पीने के पानी की उचित व्यवस्था न होने के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे यहाँ पर दो वाटर कूलर पीने के पानी के लगाए गए हैं, इसमें से एक वाटर कूलर बंद पड़ा है और दूसरे वाटर कूलर के निकट जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। एसडीएम तहसील कार्यालय में काम करवाने आए लोगों को आते जाते गंदगी के लगे ढेर से गुजरना पड़ता है, इससे बीमारियों के फैलने का भय बना रहता है। ई दिशा केंद्र में कार्य कराने आए लोगों ने बताया कि कई बार तो बीच में लाइट चली जाती है, जिसके चलते कार्य करवाने के लिए उन्हें कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। एसडीएम कार्यालय में अनेक समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। पीने के पानी के लिए बॉटल कूलर लगाए गए, एक तो चलते नहीं है और जो चल रहे हैं उसमें इतना गंदगी फैल रही है और अनेक जगहों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अभी मेरे संज्ञान में आप लोग लेके आए हो और हमारे यहाँ एक वाटर कूलर है, अगर उसमें कोई इश्यू है तो मैं उसको तुरंत ठीक करवाऊंगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ तक आता है तो उसको पानी जरूरी है कि मिले और मैं इसको तुरंत ठीक करवाऊंगा। एक सौ लोगों का कहना है कि जैसे ई दिशा केंद्र में इनके जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, लाइट चली जाती है तो डिस्ट्री बंद हो जाती है और अन्य कार्य बंद हो जाते हैं, तो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, साथ आते हैं, वो भी गर्मी बैठते हैं, उसके लिए कैसा रहेंगे? हमारा सचिवालय जो है ये पूरा कैंपस हॉटलाइन से जुड़ा हुआ है, इसमें जो है 24/7 लाइट रहती है। अगर बाय चांस किसी कारण से 2 या 4 मिनट के लिए लाइट जाती है, जैसा कि मैंने पिछले 10 दिन से जब से ज्वाइन किया है देखा है कि वो किस टाइम में लाइट नहीं जाती है, और अगर जैन सेट हमारे पास यहाँ है तो मैं, क्योंकि मेरे संज्ञान में भी नहीं है कि उसके बारे में वर्किंग है या नहीं, अगर वर्किंग नहीं है तो उसको वर्किंग करवाएंगे और जनता को पीने के पानी की या फिर जो है गर्मी से अगर अंदर सरल केंद्र में जाते हुए परेशानी होती है तो उसको हम नहीं आने देंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।